लगाना चाह रहा है, बताओ जरा कौन बताएगा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कौन सा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, माने क्या कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्या क्या होता है, क्या निकलवाना चाह रहा है, के डी। रिजल्टेंट के डी बिल्कुल सही बात है, के डी का फॉर्मूला किसी को याद है, के डी का फॉर्मूला अभी अभी ऊपर निकाला है इसीलिए पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ के डी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/m वन बाई एम, बहुत बढ़िया, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। साइन एम बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, अब जरा सवाल को देख लिया सबने, के डी निकलना है। अच्छा अब ये बताओ कौन कौन से इसमें कौन कौन से चीजें नहीं, कौन कौन सी चीजें निकालनी पड़ेगी, पहली चीज तो जो निकालनी पड़ेगी वो निकालनी पड़ेगी एम, एम एम निकालनी पड़ेगी, और दूसरी चीज जो निकालनी पड़ेगी वो निकालनी पड़ेगी बीटा, और कुछ निकालना पड़ेगा बीटा क्या, और कुछ निकालना नहीं पड़ेगा क्या, सर, जल्दी बताओ पक्का। चलो शुरू करते हैं, एम क्या होता है, एम क्या होता है, शॉर्ट पर पोल पर स्लॉट्स, फेज, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। अब जरा सवाल ध्यान से देखते हैं, कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ 36 स्लॉट फोर पोल सिंगल थ्री फेज वाइंडिंग। ओके जी, कितने फेज हैं, फेज कितने दे दिए इसने, तीन, पोल कितने हैं, चार, और स्लॉट कितने हैं, 36, ठीक है। तो आंसर क्या थ्री होगा, 36 अपॉन 4 × 3 कितना हो गया, 3। सही है, गलत तो नहीं, जी सर, गलत तो नहीं, चलो आगे बढ़ो। दूसरा एंगल क्या होता है, दूसरी चीज जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, बीटा, बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लॉट पिच, यही तो बोलते हैं। जी सर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री अपॉन स्लॉट पर पोल, यही तो होता है, ठीक है। 180 डिग्री तो 180 डिग्री ही हो गया, स्लॉट कितने हैं, 36, पोल कितने हैं, चार, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 20 डिग्री तो नहीं है, चेक करो। सही है। सही है, तो केडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो केडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केडी की वैल्यू हो जाएगी 1/3, 1/3 साइन ऑफ एम बीटा बाई टू, एम बीटा हो गया 20 × 360/2, तो क्या हो गया, 20 × 3/2, मैं मुझे पता है मैं डायरेक्टली लिख सकता था, मगर मैं लिख नहीं रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो, अपॉन साइन 20/2, जिससे कि आपको एक बार फॉर्मूला पूरा समझ में आ जाए। किसी को दिक्कत यहां तक, किसी को दिक्कत यहां तक, आंसर बता दो यार क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, इसकी वैल्यू हो गई, के डी की वैल्यू हो गई 1/3 साइन 30 अपॉन साइन 10 डिग्री, आंसर बोलो, आंसर बोलिएगा, 0.98 जीरो पॉइंट 98 कौन बोला आंसर, ये आंसर किसने बताया, अच्छा अपूर्वा, चलो बड़े दिन बाद अपूर्वा की आवाज आई मुझे लग रहा था वैसे, चलो गुड, अपूर्वा का पढ़ने का मन करके लगता है, चलें। ओके सवाल देख लिया कोई दिक्कत, सवाल देख लिया कोई दिक्कत, जल्दी सही बताओ, सही है, एक बार दोबारा ध्यान से देख लो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ध्यान से देख लो, डाउट हो तो वी विल कंटिन्यू, सही है, चले आगे। यस इस तरह का क्वेश्चन AKTU में नहीं आता जनरली, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बन के आ जाता है, गेट वेट में आ जाता है, मगर अब 2 नंबर के बेसिकली शुरू हो गए हैं तो बड़ी बात नहीं, इस तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए टॉपिक कवर करने के लिए, मगर मैं जिस क्वेश्चन को पसंद करता हूँ वो इस तरह के क्वेश्चन है जिसको जो अभी आ रहे हैं नीचे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ो, एन एट पोल, पहले डाटा पकड़ना शुरू करो, एन एट पोल, पोल कितने हो गए, एन एट पोल, पोल की वैल्यू कितनी हो गई, 8, थ्री फेज, फेज कितने हो गए, 3, 60 डिग्री स्प्रेड डबल लेयर वाइंडिंग, 60 डिग्री स्प्रेड, इससे ये बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, ये सवाल इसीलिए उठाया गया कि कुछ समझ में आए, ठीक है। डबल लेयर वाइंडिंग हैज 72 स्लॉट्स, तो टोटल स्लॉट कितने हो गए, कॉइल इज शॉर्ट पिच्ड बाय 2 स्लॉट, बहुत बढ़िया, शॉर्ट पिच्ड बाय 2 स्लॉट,
ये डाटा इंपॉर्टेंट है, जो उठा रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेट द वाइंडिंग फैक्टर. अरे बाप रे, कैलकुलेट द क्या वाइंडिंग फैक्टर. वाइंडिंग फैक्टर किससे निकलता है? वाइंडिंग फैक्टर मतलब क्या निकालना है? KW. KW निकालना है. KW का फॉर्मूला क्या होता है? KP into KD. भाई भाई जो भी बोलना हो, जो केसी बोल दो, केपी बोल दो, बात एक है. केसी इंटू केडी, ठीक है. मतलब अच्छा, सबसे बड़ी कैलकुलेट द वाइंडिंग फैक्टर फॉर द फंडामेंटल कंपोनेंट, तो ठीक है, एंड फॉर द थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक मतलब वो किसकी वैल्यू दे रहा है, कौन बताएगा? R is equals to 3. R is equal to 3. बहुत बढ़िया, वो इसकी वैल्यू दे रहा है. सवाल समझ में आ गया सबको? सवाल समझ में आ गया सबको? चारू जी सर. चारू चारू अनुष्का, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. ठीक है, बताओ शुरू करो, कैसे करेंगे जल्दी बताओ. पहले क्या निकालना पसंद करोगी ये बता दो मुझे. क्या निकाले पहले बताओ? पहले केसी निकाल लें. पहले केसी, केसी का फुल फॉर्म क्या होता है गुड़िया, बताओ जरा. केसी मतलब, केसी मतलब क्या अनुष्का, आप ही बोलो, केसी मतलब क्या? मनु त्यागी, केसी मतलब क्या? क्या कॉइल स्पैन फैक्टर, ठीक है, इसको बोलेंगे पिच फैक्टर. अभी हम लोग सही चीज बताया था, जो नाम बताए थे, तीन नाम बोले हैं, कौन कौन से? कॉइल पिच फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर, और क्या नाम था, कौन बताएगा? और क्या नाम है? कॉर्डिंग फैक्टर. कॉर्डिंग फैक्टर, बहुत बढ़िया, कॉर्डिंग फैक्टर, ठीक है. कॉर्डिंग फैक्टर केसी होता है. केसी की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री स्लॉट पर पोल, यही तो होता है. cos अल्फा बाई टू. गलत गलत की सही, पहले मुझे ये बताओ. cos अल्फा बाई टू होता है ना. रुक रुक जाओ, गलत की सही पहले मुझे ये बताओ, ये सही है गलत है? ये गलत है, गलत है, ठीक है. अब गलत कैसे? अब देखो, कोऑर्डिनेट फैक्टर निकालने के लिए जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये लाइन है इंपॉर्टेंट है. शॉर्टिंग एंगल पिच्ड बाय टू स्लॉट. कितना? पिच्ड बाय टू स्लॉट्स. तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ से. अब देखना इस वाले सवाल को सॉल्व करने का तरीका, कैसे सवाल सॉल्व होगा. सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि टू सक्सेसिव स्लॉट्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है. टू सक्सेसिव स्लॉट्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? टू सक्सेसिव स्लॉट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओके जी, अब मुझे ये बताओ, टू सक्सेसिव स्लॉट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि कॉइल इज शॉर्टेड बाय टू स्लॉट है ना. अतर म्यूट हो जा. टू सक्सेसिव स्लॉट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद है किसी को? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट, क्या बोलते थे इसको हम लोग? बीटा. अरे इंग्लिश बोलो ना यार, इसकी अंग्रेजी क्या होता बोलते थे, क्या बोलते थे? अभी ऊपर बताया, देखो जरा लिखा नहीं है. स्लॉट पिच, स्लॉट पिच, बहुत सही, स्लॉट पिच, स्लॉट पिच, इसको लोग बोलते थे बीटा. तो बीटा का मतलब क्या हो गया? बीटा की वैल्यू निकालो जल्दी से. बीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अपॉन स्लॉट्स पर पोल, ठीक है जी. टोटल स्लॉट कितने हैं? 72 स्लॉट पर पोल, वो कितने हैं? 8. तो 180 डिग्री अपॉन 72 डिवाइडेड बाय 8, आंसर कितना आएगा? मेरे ख्याल से 20 डिग्री आ रहा है, हाँ या ना? गलत तो नहीं? yes. गलत तो नहीं, सही. अब सुनो बस ध्यान से, अब बात ध्यान से सुनना. वो बोल रहा है द कॉइल इज शॉर्ट पिच्ड बाय टू स्लॉट. इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर n स्लॉट्स पे आती, समझ लेना, अगर n स्लॉट्स पे आती, n स्लॉट्स पे आती तो उसको फुल पिच बोलता या नहीं बोलता? अगर मैं बोलता कि कॉइल साइड ए
समझने की बात करना, अगर मैं कह रहा हूँ ये रहा कॉइल साइड ए और ये रहा कॉइल साइड बी, अगर एन स्लॉट्स पे आती तो कॉइल को फुल पिच होता, सही गलत तो नहीं? उसने बोला यहाँ पे नहीं आई, उसने बोला जो कॉइल साइड बी है वो ये आया, और ये वाले स्लॉट्स कितने उसने बताया, कितने हैं ये वाले स्लॉट्स कितने उसने बोल दिए, एन माइनस टू। समझे कि नहीं समझे बात को, मुझे ध्यान से बताओ, समझो बात को ध्यान से। वो कह रहा है कि अगर n स्लॉट्स होते बाय चांस, मैं कह रहा हूं n, अभी n कितना है वो भी निकाल लेंगे, अगर n स्लॉट्स होते, आसान तरीका समझो सवाल को पकड़ने का, वो कह रहा है कि n स्लॉट होते तो फुल पिच होती। उसने कहा दो कॉइल दो स्लॉट कम कर दिए तो वो शॉर्ट पिच है बाय दो स्लॉट। तो यहां पे ये बताओ ये एंगल n, अगर n होते तो एंगल कितना होता जल्दी बताओ, अगर n होते और फुल पिच होता तो एंगल कितना होता, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे n-2 का एंगल कितना होगा, n-2 का, उसके लिए n-2 का एंगल मत निकालो, उसके लिए ये एंगल निकालो अल्फा। कितने स्लॉट हैं, कितने स्लॉट से शॉर्ट हो रहा है जल्दी बताओ, कितने स्लॉट से शॉर्ट हो रहा है, दो से हो रहा है सर, दो से शॉर्ट। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 बीटा, गलत तो नहीं? दोबारा समझाऊं, आसानी से समझो आप जरा इसको, समझो गेम को, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से समझना। मैं कहता हूं लेट अस से 5 स्लॉट हैं, 5 क्या है, चल 9 ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्लॉट हो गए, ठीक है। समझो स्लॉट पर पोल कितने हैं, 9 ही तो हैं, स्लॉट पर पोल कितने हैं, 9 है ना, इसका मतलब वो सीधी सीधी बात बोल रहा है, यहां पर नॉर्थ पोल टिका हुआ है और यहां पे टिका साउथ पोल, सही बात की गलत बात, जल्दी बताओ कौन बोलेगा ये बात को, स्लॉट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। अब जरा चेक करो ये इनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, इनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, बीटा, हाँ है ना, इनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 20 डिग्री निकाली हुई है, सही बात। तो इसका मतलब ये हुआ हर दो स्लॉट के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 20 डिग्री है, सही बात की गलत बात, जल्दी बताओ, हाँ कि ना, सही सर, यस सर, ठीक है। अब वो समझो, वो कहता है अगर स्लॉट, उसने कहा अगर वो कहता कि वाइंडिंग का ये होता कॉइल साइड ए, ये होता तुम्हारा, ओके एक मिनट रुकना, वो कह रहा है कि अगर ये होता ए साइड कॉइल का और ये होता बी साइड कॉइल का, वो कह रहा है ये होता बी साइड कॉइल का, तो इस समय कॉइल कैसी होती, फुल पिच शॉर्ट पिच, जल्दी बताओ, फुल पिच, क्यों फुल पिच होती सर, वो यहाँ है वो बोल रहा है कॉइल सेट बी यहां टिकी हुई है 7वें पर आके। तो अब मुझे ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अब जल्दी बताओ, इसको मैं बोल सकता हूं 180 डिग्री माइनस अल्फा बोल सकता हूं, और अगर अगर ध्यान से समझना, इसके और इसके बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बीटा, और इसके बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बीटा, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई 2 बीटा। हाँ जी दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं, पहले मुझे बताओ सही से, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो फंस जाओगे इस वाले सवाल में आगे चलके, सही है गलत, बात समझ में आ रही है, yes, sir. सही है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। उसने दो पोल, उसने दो बोले, मैंने कुछ गलत नहीं लगाई, मैंने सिर्फ दिमाग लगाया है, मैंने क्या बोला, मैंने मुझे समझ में आया, देखो यहां से देखो मैंने 9 क्यों बनाए, मैंने देखा स्लॉट पर पोल की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो 72/8 की वैल्यू क्या है, 72/8 9, तो मैंने कह दिया अगर 9 अगर 9 की दूरी होती तो कॉइल हो जाती फुल पिच, मगर वो 9वें पे नहीं, उसने कहा दो स्लॉट कम है, तो उसने कह दिया पहले हमने 7वें पे टिकी हुई है, तो 7वें पे टिकी तो दो स्लॉट कम हुए, तो उसकी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2 बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई 2 बीटा विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, गलत तो नहीं, विच इज गलत तो नहीं, जल्दी बताओ, अरे हाँ कि सही सर, सही है ना, गलत तो नहीं, बिल्कुल सही, आगे बढ़ो।
इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका केसी क्या हो जाएगा, इसका केसी क्या हो जाएगा, 0.94 cos ऑफ अल्फा बाय 2, वैल्यू क्या हो गई, मतलब cos ऑफ 20 डिग्री कितना आ रहा है, 0.94. प्लीज चेक द आंसर, गलत गलत की सही, गलत की सही, सही सर, सही है ना। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो निकला है ये फंडामेंटल के लिए निकला है, किसके लिए निकला है, फंडामेंटल के लिए। अगर फॉर आरथ हार्मोनिक की बात करोगे, फिर से एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर आरथ हार्मोनिक की वैल्यू जाएगी क्या हो जाएगी, केसी इज इक्वल टू कॉस ऑफ आर अल्फा बाय 2। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ऊपर ध्यान से देखो, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, फॉर थर्ड हार्मोनिक, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो कॉस ऑफ ये कितना हो जाएगा, चेक बताओ मुझे, 0.5 कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ नहीं यार कैसे कर रहे हो, कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा ना सीधा सीधा। अच्छा हाँ, कॉस 60 डिग्री 0.5 सही है ना, अगर ये किसके लिए आ गया, फॉर थर्ड हार्मोनिक। पहले मुझे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं तब आगे बढ़ेंगे, देख लो सवाल ध्यान से, फुल पिक्चर शॉर्ट पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर, फुल पिक्चर शॉर्ट पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर, जल्दी बताओ जी सर। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल इत्मीनान से, ठीक है ये फॉर्मूला याद रखना, ये जो दो फॉर्मूला, ये जो दो फॉर्मूले हम चला रहे हैं, इनको समझ के चलिएगा, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला cos of r alpha by 2, ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में बैठे बैठे होने चाहिए कि कैसे होने चाहिए। चले आगे केसी निकल गया, अब बचा क्या, केसी निकल गया, अब क्या बचा, ये तो निकल गया, अब क्या बचा, क्या निकालना है, केडी निकालना है। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का खेल खेलते हैं, अब खेलते हैं खेल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का एक नाम और है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेथ फैक्टर। तो इसका वैल्यू होती है केडी बोलना है, ठीक है चलो आप शुरू करते हैं। केडी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, वाई एम साइन एम बीटा बाय 2 वाई साइन एम बीटा बाय 2 साइन ऑफ एम बीटा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2। तो सिंपल सी बात है, केसी जब के पिच फैक्टर निकालते हैं, सारा टारगेट इस पे होता है कि किसी भी तरह बस अल्फा निकाल ले जाए, क्या निकाल ले जाए, अल्फा। मगर जब केडी निकालने होते हैं तो दो फैक्टर निकालने पड़ते हैं, कौन कौन से निकालने पड़ते हैं, एक निकालना पड़ता है एम और दूसरा निकालना पड़ता है बीटा। अच्छी बात यह है बीटा हम निकाल चुके हैं, हाँ कि ना, जल्दी बताओ, बीटा तो बीटा ही रहेगा ना, बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 20 डिग्री, अभी ऊपर निकाला है, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अगर है तो बताओ। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, बीटा निकालने में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, ये देखो बीटा निकाला हुआ है, ये पूरा बीटा निकला हुआ है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर। चलो जन्मेजय यस सर, यहाँ तक सही चल रहा है सवाल, हाँ सर सही चल रहा है, ये सवाल बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ क्योंकि इसी तरह का सवाल आने वाला है। अब अगला खेल समझो क्या होने वाला है, इसको समझो, अब m निकालना है, m क्या होता है, m होता क्या है, जल्दी बताओ, स्लॉट पर पोल पर फेज, यही तो होता है। अगर हम बाय डेफिनेशन जाते हैं तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जरा चेक करो, m की वैल्यू स्लॉट कितने रहे, 72, 4.5 स्लॉट कितने रहे, 72 आया ना, 72 पोल कितने थे, 8, ये हो गया 3, क्या आ रहा है यार, तुम क्या बोल रहे हो, 3 आएगी सर, 3, 4.5 कहां से आ गई भाई, 3 है सर, 3 जब कैसे आई भाई, 3 अच्छा तो 2 लिख दिया, क्या 2 ले लिया था सर, फेस में 2 लिख दिया, पता नहीं कैसे, तो तुम भी यार ऐसे गड़बड़ी मत करो, m की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाय डेफिनेशन गए, सिंपल बात थी, सही बात, m की वैल्यू पे आ गई, ओके जी, जरा समझो इस वाले खेल को ध्यान से, m की वैल्यू भी आ गई, ठीक है अब जरा आगे बढ़ो, तो kd की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 sin ऑफ m बीटा की वैल्यू, m बीटा की वैल्यू क्या हो गई, फिर से
20 into 3 upon 2 upon साइन ऑफ 20 बाई 2. अभी ऊपर यही तो सॉल्व किया था यार, यही फॉर्मूला तो सॉल्व किया था, ये आंसर आएगा 0.98. गलत तो नहीं है, अभी ऊपर यही तो सॉल्व किया था, देखो ना ये यही तो सॉल्व किया ऊपर, ये जो सॉल्व किया हुआ है देखो इसको ध्यान से, यही तो सॉल्व करा है 20 इंटू 3 बाई 2 अपॉन, यही तो इसकी तो सॉल्व करी है, तो आंसर हो गया सीधा 0.98. मगर ये किसके लिए है, कौन बताएगा, मगर ये किसके लिए है, फॉर फंडामेंटल. ठीक है जी, ठीक है. और अर्थ हार्मोनिक क्या फॉर्मूला होता है, एंगल के साथ आर आ जाता है, 1/3 साइन ऑफ 20 इंटू 3 इंटू 3 बाय 2 अपॉन साइन इंटू 3 इंटू 20 बाय 2. केशव दुबे, केशव दुबे, केशव दुबे, दुबे जी क्लास में हो या नहीं हो? दुबे जी क्लास में हो या नहीं हो? कृपाशंकर, 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 मन्ना. यस सर. मन्ना ये दूसरा थ्री क्यों लाया भाई, मैं ये वाला थ्री क्यों आया बताओ. सर ये आर की वैल्यू है सर, आर थर्मोनिक के लिए हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सॉल्व करके बताओगे आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी सीसी बात पर. बताओ भाई 0.67 आएगा. 0.67, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, 0.67 सही है जी, फॉर थर्ड हार्मोनिक, फॉर थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक. ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, ध्यान. हाँ जी बोलो बोलो, कौन बोल रहा है सर? केशव. हाँ केशव, कहाँ हो तुम बेटे? तुम्हारे पास मैसेज आ गया, मैसेज आ गया कि क्लास से निकाल दिए गए तुम? हाँ सर, रिमूव आ गया था. चलो तो पिच फैक्टर निकालते हैं, जरा टोटल वाइंडिंग फैक्टर निकालते हैं. वाइंडिंग फैक्टर फॉर फंडामेंटल क्या होगा, फंडामेंटल क्या होगा, सवाल कंप्लीट करने की आदत डालो सब लोग. बिल्कुल ये मत सोचना कि इसके आगे हो जाएगा. मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं हमेशा सोचता था कि लास्ट स्टेप में सवाल के मिस कर देता था, और मशीन्स में एक ऐसी जगह में सवाल फंसा मेरा, गेट के अंदर दो सवाल मेरे छूट गए लास्ट स्टेप में मिस करके, कैसे होता है, बिल्कुल दिमाग से निकल गया. के डब्ल्यू की वैल्यू क्या डालते हैं, के पी इंटू के सी इंटू के डी, के डलता है ठीक है, के सी इंटू के डी. तो के सी की वैल्यू क्या डाली है फंडामेंटल के लिए, चेक करिएगा, आंसर आपके सामने है 0.94, आया ना? यस की नो, जल्दी बताओ. यस सर. 0.94 और 0.98, चलो आंसर बताओ बेटा क्या आएगा, 0.94 इंटू 0.98, आंसर बताओ कितना आएगा, कोई भी आंसर बोलो. 0.92. बहुत बढ़िया, 0.92. और जो केडब्ल्यू फॉर थर्ड हार्मोनिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, थर्ड हार्मोनिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस के सी आरथ इंटू के डी आरथ, मेरे ख्याल से आंसर है 0.5 इंटू 0.67. बताओ जल्दी आंसर क्या आ रहा है, 0.33. ओके okay, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए सर, के डब्ल्यू कम ज्यादा का फर्क क्या पड़ेगा, आया ना क्वेश्चन, यही आना चाहिए जी सर, ये क्वेश्चन आना चाहिए. बट फिलहाल अभी इसको रोकते हैं यहाँ पर, सवाल खत्म करते हैं. पहली बात तो आर्मेचर वाइंडिंग वाला टॉपिक खत्म हो गया, कोई समस्या किसी को, सवाल ववाल सब हो गए जी सर? ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो दूसरे तरीके का सवाल अभी करवाया है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने इसको गोला मारा था, इसको कहीं यूज किया मैंने सर? ये नहीं किया सर. हाँ, क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजी है, ये पकड़ना पड़ता है, जब सवाल बड़े बड़े होते हैं तो हमेशा ये पकड़ो कि कौन सी चीज सिर्फ अंग्रेजी है. ठीक है, ऑल्दो कुछ लोग इसको यूज करके कुछ कह सकते हैं, बट इसको मैं अभी दूसरे तरीके से यूज करना चाहता हूँ. सही है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको जरूरत पड़ेगी नहीं उस तरीके से. ठीक है, तो अभी आपको यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, ये वाला सवाल क्लियर सर? एक डबल लेयर भी यूज किया उसने कुछ. हाँ देखो, ये भी अंग्रेजी है, बिल्कुल सही, ये भी अंग्रेजी है, बहुत बढ़िया, पकड़ गए तुम यार, बढ़िया लड़के हो तुम यार, डबल लेयर वाइंडिंग ये भी अंग्रेजी है. एक और अंग्रेजी थी सिंगल फेस के अंदर, कौन बताएगा?
एक और अंग्रेजी थी सिंगल फेज के अंदर, सिंगल फेज के अंदर हमेशा लिखता है कि ड्यूरिंग द ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज केप्ट ओपन. याद है ये चीज? याद है? यस सर. वो भी अंग्रेजी है जी. हमें अंग्रेजी से भटकना नहीं है. ठीक है, तो चलो ऐसा है, मैं भी क्लास ले रहा हूँ,